नमस्कार सम्मान्य साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बढ़ी हुई परिवर्तन लागत से भुगतान के संबंध में MDM प्राधिकरण उत्तर प्रदेश का आदेश जारी। साथ ही इसमें हम डिस्कशन करेंगे अब प्राथमिक विद्यालय के लिए कितनी परिवर्तन लागत होगी और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए कितनी परिवर्तन लागत जारी की गई है। साथ ही इस परिवर्तन लागत में कितना केंद्रांश होगा और कितना राज्यांश होगा, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। साथ ही जनपदवार कितनी लागत, कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो ये आदेश है 27 मार्च 2023 का और ये समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए आदेश है। विषय है वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिवर्तन लागत मद हेतु SNA UP 17 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से अंतिम पंचम किस्त के आवंटन के संबंध में। महोदय, अवगत कराना है कि SNA UP 17 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु परिवर्तन लागत मद में जनपदों को संलग्न चार्ट के कॉलम 6 में 32,36,07 लाख रुपए का आवंटन किया जा रहा है, जिनका व्यय निम्न शर्तों के अधीन किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में पके पकाए भोजन की व्यवस्था हेतु परिवर्तन लागत की दर 5.45 प्रति छात्र होगी, जिसमें केंद्रांश 3.27 तथा राज्यांश 2.18 होगा, तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयों हेतु पके पकाए भोजन की व्यवस्था हेतु 8.17 प्रति छात्र प्रतिदिन होगी, जिसमें केंद्रांश 4.90 तथा राज्यांश 3.27 होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि मध्याह्न भोजन का लाभ वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों तक ही सीमित रखा जाएगा। संबंधित जिलाधिकारी द्वारा वित्त आय व्यय अनुभाग फर्स्ट के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 जून 2022 एवं योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेश दिशा निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। ये धनराशि के लेखों के रख रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी तथा 3-3 माह के अंतराल पर व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए प्रत्येक माह की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में संबंधित जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा बजट की उपलब्धता विगत वर्षों में निर्गत समस्त धनराशियों संगत शासनादेशों के अनुसार का मिलान कराते हुए श्वेत स्तर से संतुष्ट हो लेंगे। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए संबंधित जनपदीय प्राधिकारी अधिकारी जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तरदायी होंगे। योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। वे योजना का समुचित अनुसरण सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का वह योजना अंतर्गत निर्गत दिशा
निर्देशों प्राविधानों के अंतर्गत किया जाएगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग स्वीकृत की जा रही धनराशि के निमित्त ही किया जाएगा। उपरोक्तानुसार वर्तमान में जनपदों को स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग संलग्न चार्ट के कॉलम 6 के सापेक्ष कॉलम 7 में आवंटित कुल प्रगामी सीमा के अंतर्गत किया जाएगा। उपरोक्त आवंटन पीएबी अनुमोदन 2022-23 के अधीन निर्गत किया जा रहा है। स्वीकृत की जा रही धनराशि के आवंटन मात्र से व्यय का प्राधिकार अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। इस संबंध में समस्त स्तर से स्वीकृत प्राप्त कर वास्तविक कार्य व्यय संख्या के आधार पर भी भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त शर्तों के अधीन परिवर्तन लागत मद में 32,37,3,23,63,31,321 मात्र जनपदों को UP-17 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से निर्धारित खाते में PFMS के द्वारा कराई जा रही है। जनपद स्तर पर उक्त धनराशि का व्यय में उपरोक्त शर्तों व प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। और ये आदेश है विजय किरण आनंद। ये हमारे परिवर्तन लागत है जो जनपदवार है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे जनपदवार ये 40 तक हैं। नेक्स्ट पेज पर ये 41 से प्रारंभ होते हैं। इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।